अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक शहर है। यह शहर हिंदू और जैन धर्म के मानने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या वही स्थान है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था। इसके अलावा जैन धर्म के 5 तीर्थांकरों का जन्म यहीं हुआ था। दोस्तों, अयोध्या शहर की स्थिति की बात करें तो यह शहर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी हिस्से में सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार यहां पर 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग आया था। उसके अनुसार उस समय अयोध्या शहर में कुल 20 बौद्ध मंदिर थे। मध्यकालीन युग के दौरान इस शहर को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसका नाम बदलकर अयोध्या रख दिया। अयोध्या जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल अमेठी जिला, गोंडा जिला, अंबेडकर नगर जिला, बस्ती जिला, बाराबंकी जिला और सुल्तानपुर जिला हैं। सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या शहर राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 135 किलोमीटर वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से 666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2522 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अयोध्या जिले की जनसंख्या लगभग 28,62,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की जनसंख्या 14,59,000 है तथा महिलाओं की जनसंख्या 14,03,000 है। दोस्तों, वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से अयोध्या जिले में 84.75% हिंदू, 14.80% मुसलमान, 0.13% ईसाई और 0.30% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं शैक्षिक दृष्टिकोण से अयोध्या जिले की कुल साक्षरता दर 69% है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, महाराजा इंटर कॉलेज, जनता अवध इंटर कॉलेज जैसे कई प्रमुख शिक्षण संस्थान अयोध्या जिले में मौजूद हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अयोध्या जिले में कुल 5 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें शामिल सदर, सोहवल, बीकापुर, मिल्कीपुर और रुदौली हैं। जिले में 11 ब्लॉक, 18 पुलिस स्टेशन, 835 ग्राम पंचायतें और कुल गांवों की संख्या 1272 है। दोस्तों, आवागमन के दृष्टिकोण से अयोध्या शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, अयोध्या जिले में मुख्य रूप से 22 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें यहां का मुख्य रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड AY है और इस स्टेशन पर 3 प्लेटफार्म व 5 ट्रैक मौजूद हैं। इस स्टेशन से होकर बहराइच यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस, बरेली एक्सप्रेस जैसी प्रमुख रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश व राज्य के बड़े बड़े शहरों से जुड़ती हैं। सड़क मार्ग, इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 27 और 330 गुजरती है, जो आगे चलकर बाराबंकी व सुल्तानपुर जैसे शहरों से जोड़ती है। इसके अलावा अयोध्या बस स्टैंड के माध्यम से लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, गोंडा जैसे शहरों को यहां से नियमित रूप से बसों को संचालित किया जाता है। हवाई मार्ग, अयोध्या जिले में मौजूद पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां का मुख्य हवाई अड्डा है, जो कि यहां से अभी कोई फ्लाइट मौजूद नहीं है, जिसका काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों, अयोध्या शहर अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो आइए दोस्तों इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं। हनुमान गढ़ी, पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमदित्य द्वारा करवाया गया था। मान्यता यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी वास करते हैं। यह मंदिर एक टीले पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। श्री रामचंद्र जन्मभूमि शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में अयोध्या का प्रमुख स्थल श्री रामचंद्र भूमि है। यहां पर श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन करने को मिलते हैं और यहां पर देश विदेश के श्रद्धालुओं का आवागमन साल भर लगा रहता है और यहां पर रामनवमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कनक भवन, यह खूबसूरत मंदिर सोने का बना हुआ है, जिसे सोने के घर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में भगवान श्री राम और सीता जी की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनके सिर के ऊपर सोने का एक ताज भी रखा हुआ है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करने के लिए आते हैं। सीता की रसोई, यह स्थान राम जन्म स्थान के उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित है। यह एक खूबसूरत मंदिर है
जिसे रसोई में तब्दील किया गया है। मान्यता यह है कि सीता जी को अन्नपूर्णा व अन्न देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में आते रहते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे खूबसूरत मंदिर व ऐतिहासिक जगह अयोध्या जिले में मौजूद हैं। दोस्तों, यदि आप अयोध्या शहर आ रहे हैं तो इन खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थलों पर एक बार जरूर जाइएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।